हेलो फ्रेंड, वेलकम इन नर्सिंग एकेडमी। मैं नील कांटीवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम का पार्ट 5 है। इसके अंदर हम देखेंगे जो बचे हुए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर थे उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो डिजीज कंडीशन बची थी उनके जो भी की पॉइंट है उनके बारे में देखेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं पार्किंसन डिजीज की। पार्किंसन डिजीज में देखिए, यह सेकेंड मोस्ट डीजनरेटिव ब्रेन डिजीज है। ठीक है, कौन सी है? सेकेंड मोस्ट डीजनरेटिव ब्रेन डिजीज। और फर्स्ट कौन सी है? फर्स्ट है अल्जाइमर। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है फर्स्ट मोस्ट डीजनरेटिव ब्रेन डिजीज कौन सी है, तो उसमें आंसर आया था अल्जाइमर। और सेकेंड मोस्ट है पार्किंसन डिजीज। अब पार्किंसन डिजीज के बारे में देखिए, पार्किंसन डिजीज है यह एक प्रोग्रेसिव ब्रेन डिजीज है जो किसके कारण होती है? डोपामिन की कमी के कारण। मैंने ये बोल्ड अक्षरों में लिखा है, डोपामिन की कमी के कारण। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पार्किंसन डिजीज है ये किसकी कमी के कारण होता है? ये होता है डोपामिन की कमी के कारण, जिसके कारण क्या होता है, जो मसल टोन है वो बढ़ जाती है, जिससे पेशेंट में आपको ट्रेमर है, रिजिडिटी है और जो भी अदर पोस्चरल चेंजेज है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब डोपामिन की कमी क्यों होगी? तो उसका मोस्टली जो कारण है वो है इंजरी इन बेसल न्यूक्लेई। जो बेसल न्यूक्लेई है उसमें इंजरी होने के कारण क्या देखने को मिलता है? डोपामिन की कमी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके सिम्टम की। सिम्टम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो मोस्टली क्वेश्चन आता है वो इसके सिम्टम से भी आता है। इसमें फर्स्ट देखिए ट्रेमर्स, फर्स्ट सिम्टम क्या है? ट्रेमर। ट्रेमर कैसे आते हैं? रेस्टिंग ट्रेमर प्रेजेंट, यानी जो रेस्टिंग ट्रेमर है वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है जो मैंने हाईलाइट करके लिखी है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पिल रोलिंग मोमेंट। एग्जाम में पूछ लेंगे कि पिल रोलिंग मोमेंट किस में देखने को मिलता है, तो वो किस में देखने को मिलेगा? वो मिलेगा पार्किंसन डिजीज में। इसमें क्या होता है, जो भी पेशेंट है वो मूवमेंट करता है थंब और फिंगर की अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, वो अपोजिट डायरेक्शन में जो भी थंब और फिंगर है उसमें क्या करेगा? मूवमेंट करेगा। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, इसमें जो पेशेंट है वो क्या कर रहा है? पिल रोलिंग मोमेंट। ठीक है, नेक्स्ट रिजिडिटी, इसमें क्या देखने को मिलेगा? मास्क लाइक फेस। जो फेस है वो मास्क लाइक, मतलब हार्ड, और जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो आपको उसमें इतने ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। जो उसका फेस है वो हार्ड और टफ एक जैसा ही दिखाई देगा। ठीक है, मास्क लाइक फेस। माइक्रोग्राफिया यानी स्मॉल हैंड राइटिंग। ठीक है, तो इसके जो मोस्ट सिम्टम कौन से थे? पिल रोलिंग मोमेंट, मास्क लाइक फेस और माइक्रोग्राफिया। ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखिए ब्रेडिकाइनेसिया। ब्रेडिकाइनेसिया किसे कहते हैं? स्लो बॉडी मूवमेंट। ठीक है, स्लो बॉडी मूवमेंट किसके कारण से? रिजिडिटी के कारण से जो बॉडी मूवमेंट है वो क्या हो जाते हैं? स्लो हो जाते हैं। पोस्चुरल चेंज देखने को मिलेंगे, जिसमें है सफलिंग गेट। सफलिंग गेट एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। सफलिंग गेट मोस्टली कौन सी डिजीज में देखा जाता है? ये पार्किंसन डिजीज इसमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट ऑटोनॉमिक सिम्टम। ऑटोनॉमिक सिम्टम में जैसे कॉन्स्टिपेशन है, हाइपोटेंशन है और ड्रूलिंग। ड्रूलिंग मतलब एक्सेसिव सलाइवेशन। ठीक है, ये इसके सिम्टम है। नेक्स्ट देखिए इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करेंगे? सीटी, एमआरआई और लेवोडोपा टेस्ट। मैनेजमेंट में देखिए, मैनेजमेंट में हम देंगे लेवाडोपा देंगे। लेवाडोपा यह डोपामिन की कौन सी फॉर्म है? सिंथेटिक फॉर्म है, क्योंकि और यह डोपामिन की जो अवेलेबिलिटी है उसको इंक्रीज कर देती है। अब मैंने नीचे दो क्वेश्चन रखे हैं उनको देखिए, क्या रीज़न है कि डायरेक्ट डोपामिन का यूज़ पार्किंसन डिजीज में क्यों नहीं करते? यानी जो डायरेक्ट डोपामिन है उसको क्यों नहीं देते पार्किंसन में? हम लेवाडोपा है, कार्पीडोपा है, वो क्यों देते हैं? तो इसका आंसर ये है, क्योंकि जो डोपामिन है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता। ठीक है, इसी कारण से हम पार्किंसन डिजीज में डायरेक्ट जो डोपामिन है वो नहीं देते हैं। नेक्स्ट, वो कौन सी एंटी पार्किंसन ड्रग्स है जो हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया को ट्रीट करने के लिए काम में लेते हैं? तो वो ड्रग कौन सी है? वो है ब्रोमोक्रिप्टिन। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, लेकिन मैंने इसको इंक्लूड किया है क्योंकि पीछे के एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एपिलेप्सी। एपिलेप्सी यह एक डिजीज कंडीशन है जिसके अंदर बार बार आपको सीजर देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो सीजर के एपिसोड है वो आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं सीजर। सीजर किसे कहते हैं? सीजर यह अपने ब्रेन के अंदर सडन अबनॉर्मल इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्चार्ज के कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, किसके कारण से? सडन अबनॉर्मल इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्चार्ज के कारण, जिसके अंदर आपकी जो कॉन्शियसनेस है, बिहेवियर है, मोटर फंक्शन है
और परसेप्शन है उसमें आपको अल्ट्रेशन देखने को मिलेंगे, मतलब अल्ट्रेशन मतलब चेंजेस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेज ऑफ सीजर। सीजर की स्टेज में देखिए, इसमें फर्स्ट स्टेज है वो क्या है, ओरा, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ओरा क्या है, यह सीजर की फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज ऑफ टॉनिक क्लोनिक सीजर। इसमें क्या होता है, फिलिंग ऑफ कमिंग सीजर्स। जब भी अपने को सीजर आते हैं तो हमें पहले पता चल जाता है कैसे, जैसे रेस्टलेसनेस है और बैड स्मेल है वो देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है, किसमें, ओरा में। ओरा क्या हुआ, फिलिंग ऑफ कमिंग सीजर, ये पहली स्टेज है टॉनिक क्लोनिक सीजर की। नेक्स्ट अनकॉन्शियसनेस, इसमें आपको पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगी, अनकॉन्शियसनेस, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज देखिए वो है टॉनिक स्टेज। टॉनिक स्टेज का ड्यूरेशन कितना होगा, 10 से 15 सेकेंड। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, ट्रेमर, हैंड क्लंच और जा फिक्स। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, जो जा फिक्स है और हैंड क्लंच है ये कौन सी स्टेज में देखने को मिलता है, ये देखने को मिलेगा टॉनिक स्टेज में, ठीक है। नेक्स्ट क्लोनिक स्टेज, क्लोनिक स्टेज का टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, 30 सेकेंड। इसमें आपको अल्टर्ड कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन देखने को मिलेंगे। क्लोनिक स्टेज में आपको क्या देखने को मिलेंगे, अल्टर्ड कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। और रिस्क ऑफ टंग बाइट, ये क्वेश्चन भी पीछे पूछा गया है, रिस्क ऑफ टंग बाइट किस में देखने को मिलेगा, क्लोनिक स्टेज में। नेक्स्ट पोस्ट इक्टल स्टेज, पोस्ट इक्टल स्टेज या एंड स्टेज है ग्रैंड मा सीजर की। जो सीजर की एंड स्टेज है वो क्या है, पोस्ट इक्टल स्टेज। इसमें आपको क्या देखने को मिल सकता है, रेट्रोग्रेड एमनेसिया, जो पीछे की जो पेशेंट है जो पीछे की जो बातें हैं उसको क्या करने लग जाएगा, भूलने लग जाएगा, ठीक है। कन्फ्यूजन और ड्रोलिंग, उसमें कन्फ्यूजन देखने को मिलेगी और ड्रोलिंग यानी सलाइवेशन। नेक्स्ट देखिए इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन में हम जो एपिलेप्सी है उसके लिए क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे, EEG इलेक्ट्रोएनसेफेलोग्राफी। मैनेजमेंट में हम फेनिटोइन, कार्बामाजेपाइन, फेनोबारबिटोन, सोडियम वॉलप्रेट काम में लेते हैं। तो मैंने इसमें सिर्फ दो ही लाइनें लिखी है, जो फेनिटोइन और कार्बामाजेपाइन है ये सभी तरह के सीजर्स में काम में ली जाती है, किसको छोड़ के, पेटेटमल सीजर को छोड़ के, ठीक है। और सोडियम वॉलप्रेट ये सभी तरह की जो सीजर्स है उनमें काम में ली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रोल ऑफ नर्स ड्यूरिंग सीजर, सीजर के दौरान नर्स का क्या रोल होगा। इसमें फर्स्ट है वेट फॉर रिजॉल्विंग सीजर। अगर किसी पेशेंट को आपके सामने सीजर आ रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना, पहले आपको ये देखना है कि जो सीजर है वो अपने आप रिजॉल्व हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट प्रोवाइड मेडिकेशन इफ प्रिस्क्राइब्ड, अगर कोई मेडिकेशन है वो प्रिस्क्राइब की हुई है डॉक्टर के द्वारा तो आप वो देंगे। थर्ड मेंटेन ए पेटेंट एवे इफ रिक्वायर्ड। नेक्स्ट देखिए इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर ICP, एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें मैं बात करूँगा। नॉर्मल ICP कितना होता है, 5 से 15 mmHg, ठीक है। और अगर ICP है नॉर्मल वैल्यू से अधिक हो जाए तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर या इंक्रीज ICP। इसमें मैंने एक लाइन को हाईलाइट करके लिखा है, फर्स्ट सिम्टम ऑफ इंक्रीज ICP, ICP है जब ये बढ़ जाता है तो इसका फर्स्ट सिम्टम क्या होगा, चेंज इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। जो कॉन्शियसनेस है वो क्या होगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लेट साइन ऑफ ICP, ICP का लेट साइन क्या होगा, क्यूशिंग ट्राइड। क्यूशिंग ट्राइड क्या होता है, हाइपरटेंशन प्लस ब्रेडिकार्डिया प्लस ब्रेडिपिनिया, ठीक है। ये क्या है, क्यूशिंग ट्राइड, ये किसका साइन है, ये लेट साइन है इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर का। नेक्स्ट देखिए इंक्रीज्ड ICP में कभी भी लंबर पंक्चर है वो नहीं करना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसमें जो ब्रेन स्टेम है उसके हर्निएशन के चांस देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब मैंने कुछ इंपॉर्टेंट और समराइज्ड पॉइंट रखे हैं, आप इनको भी देखिए, एग्जाम में से इनमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। इसमें फर्स्ट है सेरेब्रम आल्सो नोन एज सीट ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए सीट ऑफ इंटेलिजेंस किसे कहेंगे, तो आंसर क्या होगा, सेरेब्रम। नेक्स्ट ओमनियस साइन सीन इन, ओमनियस साइन किस में देखने को मिलता है, बाइलेटरल डायलेटेड फिक्स्ड पुपल्स, वो क्या है, ओमनियस साइन, ठीक है। ओमनियस साइन क्या है, बाइलेटरल डायलेटेड फिक्स्ड पुपल्स, उसको क्या बोलेंगे, ओमनियस साइन। पिन पॉइंट पुपल्स ये कब देखने का मिलेगा, पॉन्स डैमेज। नेक्स्ट GCS ग्लास्को कोमा स्केल, अगर GCS का स्कोर है वो 8 से कम हो जाए तो क्या होगा, कोमा।
और जिस चीज का स्कोर है वो 3 पॉइंट हो तो वो किसको इंडिकेट करेगा, डीप कोमा और डेथ। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्क्यूशन। कॉन्क्यूशन क्या होता है, स्लाइटली ब्रेन इंजरी। ठीक है, कॉन्क्यूशन क्या होता है, स्लाइटली ब्रेन इंजरी। और कॉन्ट्यूशन, कॉन्ट्यूशन होता है नर्वस टिश्यू डिस्ट्रक्शन। ठीक है, दो तरह की जो हेड इंजरी है वो देखने को मिलती है, जिसमें क्या है कॉन्क्यूशन और कॉन्ट्यूजन। कॉन्क्यूशन स्लाइट ब्रेन इंजरी और कॉन्ट्यूशन नर्व टिश्यू डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट हालो साइन सीन इन सी एस एफ लीकेज। जो हालो साइन है वो आपको सी एस एफ लीकेज में देखने को मिलेंगे। जी बी एस गुलेन बेयर सिंड्रोम इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस। एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस की मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, जी बी एस गुलेन बेयर सिंड्रोम। नेक्स्ट देखिए, मेनिंजियोमास और ग्लायोजमा आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर। जो मेनिंजियोमा और ग्लायोजमा है ये क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर। ठीक है, नेक्स्ट कोल्ड कैलोरिक टेस्ट। कोल्ड कैलोरिक टेस्ट क्यों करते हैं, या ब्रेन स्टेम के फंक्शन को असेस करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम किसे मिलके बना होता है, मेडुला ऑब्लोगेटा प्लस पॉन्स प्लस मिड ब्रेन, ये तीनों क्या बनाते हैं, ब्रेन स्टेम। नेक्स्ट एटेक्सिया, एटेक्सिया किसे कहेंगे, अन कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऑफ एक्सट्रीमिटीज। जो अपनी एक्सट्रीमिटीज है उनके अन कोऑर्डिनेट मूवमेंट को क्या कहेंगे, एटेक्सिया, एटेक्सिया। नेक्स्ट देखिए ग्रुप ऑफ सेल बॉडी इन सी एन एस क्या कहेंगे, ग्रे मैटर। और ग्रुप ऑफ सेल बॉडी इन पी एन एस उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे गैंग्लिया। नेक्स्ट ब्रेन को टोटल कार्डिक आउटपुट का 15% ब्लड जाता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, जो ब्रेन है उसको टोटल कार्डिक आउटपुट की कितनी ब्लड सप्लाई होती है, 15%। नेक्स्ट ब्रेन में बेस्ट सेल प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में पाई जाती है। ठीक है, ब्रेन में जो बेस्ट सेल है ये कहाँ पे पाई जाती है, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में। वेटर टिप पोजीशन, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, वेटर टिप पोजीशन ये किस में देखने को मिलती है, ये आपको एब्स पाल्सी में देखने को मिलेगी। नर्व इंजरी जो रिस्ट ड्रॉप को कॉज करती है वो कौन सी नर्व है, वो है रेडियल नर्व है। नेक्स्ट क्लम्के पाल्सी, क्लम्के पाल्सी आपको कब देखने को मिलेगी, जो C8 और टी वर्टिब्रा है उसके अंदर इंजरी होने से। नेक्स्ट फीवर हेडेक नकल रिजिडिटी और क्लासिक सिम्टम ऑफ मेनिंजाइटिस। फीवर हेडेक और नकल रिजिडिटी ये क्या है, मेनिंजाइटिस के क्लासिक सिम्टम है। ठीक है, ये था न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में, ये थी कंप्लीट नर्वस सिस्टम की जो भी शॉर्ट नोट्स थे उसके बारे में। यह था न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ओम नर्सिंग अकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।